from height. Let's say I am taking example here. Let's say it's a building and it's a horizontal surface ground. An object is projected like this way with horizontal velocity u from here, and it will come down like this way. Come down like this way, and come down like this way. Now, making some angle alpha with the horizontal. Just a minute. This is why just a second. It's a why here it is x. यहाँ पे वेलोसिटी भी है. एक्चुअली ये हम ओरिजिन ले लेते हैं, दैट इज 0.0. तो यहाँ पे फॉल करेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज x, -y. जब भी फॉल करेगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इज v cos अल्फा और इधर आ जाएगा v साइन अल्फा. लेट मी ब्रिंग इट राइट इट प्रॉपर. v साइन अल्फा, हियर इट इज x. हियर वेलोसिटी इज v cos अल्फा, हियर इट इज v साइन अल्फा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दैट इज x, -y. देखो जब उसको थ्रो किया तो उसके पास एक ही वेलोसिटी था, लेकिन जब नीचे आने लगा तो उसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल. ठीक है, तो नीचे आया तो उसकी दो वेलोसिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल. ठीक है, लाइक दैट वे. उसी मैंने आपको कल बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर देख रहे हैं ओरिजिन है तो इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहां पर x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड आ रहा है. अच्छा, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला. पहले बताओ डायग्नल समझ में आ रहा है, ओरिजिन का डायग्नल समझ में आ रहा है? यस सर. अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है, उसकी वेलोसिटी तो कभी चेंज होता नहीं. ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, दिस वन हियर. तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, एक्स, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज यू एंड टाइम इज टी. तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकला. अब आते हैं वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज माइनस जी एक्टिंग डाउनवर्ड. यहां पे मामला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज वाई, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव.
अच्छा यहां पे जब थ्रो किया था ना, इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी देखोगे ना तो जीरो ही मिलेगा, वर्टिकल वेलोसिटी किधर है उसके पास, उसके पास तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल बिकॉज हॉरिजॉन्टल आपने थ्रो किया ना, तो इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब अलोंग द राइट, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, जो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन प्लस हाफ, एक्सलेशन क्या होगा माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। सॉल्विंग वन एंड टू, तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी, फ्रॉम दिस इक्वेशन आप t की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे लाके t की जगह रख देंगे, तो हाफ g t की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन u होल स्क्वायर, x अपॉन u होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर थ्री, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, दिस थर्ड वन जो मिक्स करके हम लोग बनाते हैं ना, दैट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉम्पट दिस वन, तो हमें तीन फॉर्मुले मिल गए, एक एक्स की इक्वेशन, एक वाई की इक्वेशन, और थर्ड वन इज दोनों को मिक्स करके हमने एक इक्वेशन बना ली, वाई इक्वल, मतलब टाइम को एलिमिनेट करके वाई इक्वल जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, कंप्लीटेड। या डन बाय एवरीवन, यस सर। सो प्रोसीड करें बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया सबने कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा अब ये देखो, आपको मैंने कल सिखाया था, ये दो लेक्चर से बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं, रिमेंबर सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, यहां पे एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं लिखते, तो इसको, हाँ ये जो है ना, इसकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी,
इस तरह से आएगा ही। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, तो Vx की वैल्यू यू के बराबर होगी, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज माइनस जी। तो सपोज टाइम, सपोज ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना दिया है टी इन द डायग्राम, तो टी मेंशन कर लीजिए डायग्राम में, मेंशन टी इन द डायग्राम, और इसको वी एक्स और वी वाई कर लेना। डायग्राम ठीक करो पहले, डायग्राम की ठीक किया। अच्छा, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, माइनस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, जब मैंने इसको थ्रो किया था इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। डायग्राम ठीक किया ना आप लोगों ने? अच्छा, ये होगा माइनस जी इंटू टी, तो वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज जी इंटू टी। तो जस्ट देखो ध्यान से, वेलोसिटी के ये इस तरह से आ रहा है बच्चे, देखो जरा मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वी वाई है, ये वी एक्स है, और ये वी है, इसकी वैल्यू यू के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है जी इंटू टी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, वी वाई डाउनवर्ड है राइट वाला प्लस डाउनवर्ड वाला माइनस, माइनस जे कैप राइट प्लस है डाउनवर्ड माइनस है। मतलब मैंने इसको एक्स लिया है, इसको वाई लिया है, समझ लेना इस तरह से, नीचे जा रहा है तो माइनस हो, तो वी क्या हो जाएगा? दैट इज वी इज इक्वल टू वी एक्स क्या यू आई कैप जी डाउनवर्ड है माइनस जी टी जे कैप, हाँ माइनस जी टी जे कैप, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? जब नीचे ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एंगल चाहिए दिस एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो जी टी अपॉन यू, तो तुम्हें अल्फा भी मिल जाएगा कि किस एंगल पे वो हिट कर रहा है, दैट इज टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू। ये सब जी के न्यूमेरिकल्स में आते हैं याद रखना, कि किस एंगल से हिट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऑल दिस थिंग्स देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया मैंने,
हो गया। Wasn't yours done? क्या हुआ, हो गया कि नहीं? Yes sir, done. Yes sir, complete. Okay. तो ध्यान रखना कितने फॉर्मूले हो गए, 1, 2, 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। मतलब 5 फॉर्मूले यूज होते हैं। मतलब देखो, पहला फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, दूसरा हो गया y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब ये दोनों भी फॉर्मूले हैं। रुक जाओ, मैं इनको बॉक्स में कर दो। एक फॉर्मूला ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को मिला के बनाया एक थर्ड फॉर्मूला। किस वेलोसिटी से गिर रहा है? तो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर t पर टाइम, और मतलब जितने टाइम में नीचे आ रहा है। एंगल कितना बनेगा? टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू। पांचों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना, पॉलीनोमियल्स, ठीक है? अच्छा, लेकिन केस टू ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप इसमें रट के नहीं जा सकते, आपको समझ के जाना पड़ेगा। केस थ्री, तीनों एक केस थ्री। लेट्स से लेट्स से इट इज लाइक दिस वे। And here is also this one. This is why. Again, this is why. नीचे ground है। और भी तो दो केस हो सकते हैं। अगर सपोज कर लो ये ऊपर की तरफ फेंक रहा है, देन या ये हो सकता है कि ये नीचे की तरफ फेंक रहा हो, देन दोनों केसेस में क्या होगा? इट विल कम लाइक दिस वे। Like this way. ये इस तरह से भी आ सकता है। तो देखो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, डाउनवर्ड आ रहा है तो x पॉजिटिव होगा राइट की तरफ, लेकिन y निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, u को ब्रेक करते हैं, इधर एंगल होता है उधर cos, तो ये आ जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाता है u sin theta। इसी तरह यहां पे ब्रेक करेंगे दैट बिकम u cos theta, और नीचे आ जाएगा दैट इज u sin theta। तो हमने ब्रेक कर दिया u cos theta और u sin theta में। देखो, दोनों में एक फॉर्मूला तो कॉमन होगा। क्या? अगर मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा, लेट्स से हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है जीरो, तो
डिस्टेंस x इज इक्वल टू स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी u cos theta इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यहां पे भी यही रहेगा हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, आपके इन सब दोनों में एक ही फॉर्मूला आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, दूसरा फॉर्मूला डिफरेंस हो जाएगा क्यों, अब आते हैं वर्टिकल मोशन पे, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है दैट इज माइनस जी, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है दैट इज माइनस जी, नो सो वाई नीचे आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू टी, यू ऊपर है प्लस वाई इज इक्वल टू यू टी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है साइन थीटा, यू टी प्लस हाफ जी क्या होगा माइनस जी टी स्क्वायर, वाई नीचे है यू ऊपर है जी नीचे है, इसमें क्या बनेगा वाई इज माइनस वाई इज वाई नीचे है, लेकिन यू साइन थीटा भी नीचे है, देखो ना ये राइट की तरफ है प्लस ये डाउनवर्ड है माइनस, ये राइट की तरफ है प्लस ये अपवर्ड है प्लस, तो y इज इक्वल टू हाँ नीचे जा रहा है माइनस u साइन थीटा u t, इसमें प्लस आ रहा था इसमें माइनस आ रहा था, प्लस हाफ माइनस g t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू, इसमें माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो y इसमें भी माइनस सब टर्म में माइनस है ना तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू, देखो ध्यान से दोनों इक्वेशन को बहुत चेक इट, जस्ट सी बोथ द पार्ट्स, ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, एक में u cos थीटा पॉजिटिव होता है दूसरे नेगेटिव हो जाता है, नहीं सॉरी u sin थीटा पॉजिटिव होता है दूसरे में नेगेटिव हो जाता है, देख लो अच्छे से पहले,
हो गया सर एक मिनट होगा सर। अच्छा तो अब आप कहेंगे सर इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद वन और टू को मिक्स करके सॉल्व कर लेना, जो भी आपको सॉल्व करना हो यू कैन सॉल्व इट, आप वन और टू को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, तो यू गेट समथिंग न्यू। तो इसको मैं आगे यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि अब इसके आगे क्या करना है वो आपको न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करना है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे आप? X की वैल्यू, Y की वैल्यू, T की वैल्यू कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। अब जैसे सपोज कर लो आप कहेंगे सर मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम तो इक्वेशन नंबर वन से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर टू से भी निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर वन से तो टाइम निकालेंगे छोटा लग रहा है, टू से निकालना थोड़ा मुश्किल लगेगा। मुश्किल नहीं लगेगा, अच्छा लग रहा है आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तुम चाहो तो ना इसको भी सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय टू, तो माइनस टू आई इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गया ना, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टू आई इज इक्वल टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चे? ये आ गई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या थी? माइनस बी प्लस माइनस रूट, क्वाड्रेटिक याद है, फोर ए सी अपॉन टू ए, ये होता था कि नहीं? तो yes, उसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। रख उसमें क्या है? ये तुम्हारा आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। तो मान लो वैल्यू चाहिए तो टी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो माइनस टू यू साइन थीटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर टू जाए एट, एट जी नहीं फोर ए सी अपॉन टू ए, तो यू गेट 2u sin theta plus minus root 4u square sin square theta plus 8gy upon 2g। 4 बार निकाल सकते हैं, 2 चला जाएगा, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? u sin theta plus minus u square sin square theta, 4 बार लिया, प्लस 2gy अपॉन g,
तो आप कैसे भी टाइम निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और वहां देख लीजिएगा आपको करना क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश की है कि मान लो अगर ये सब आता है तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो। जेई मतलब जेई वगैरह में आता है ज्यादातर, नीट वगैरह में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें वन और टू इक्वेशन से ही हो जाएगा। जेई वगैरह में कभी कभी टाइम के लिए सॉल्व करना पड़ता है पूरा क्वाड्रेटिक बना के। हो गया यस सर। ओके सो वहां तक हमने कर दिया। ओके जस्ट वेट, अब क्या रह गया? प्रिटाइल मोशन हो गया, ये रह गया। अच्छा स्क्रॉल कर रहा हूं। अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? टू डायमेंशन में जैसे आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल, लेट्स से इट्स अ क्रॉस रोड, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये इस तरह की क्रॉस रोड है लेट्स से। तो वन कार इज गोइंग दिस वे, एक कार इधर जा रही है लेट्स से। उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए। मैं एग्जांपल ले रहा, अनदर कार बी इज गोइंग दिस वे, वेलोसिटी ऑफ बी। अब तुमको चाहिए, यू वॉन्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसको देखिए जरा, तो हम कैसे करेंगे?
नो, अब तुम क्या करेंगे, हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, बी, तो बी को रोक देंगे हम, बी को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, एक मिनट से कम रहेगा दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, बी को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप बी, उसकी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर देंगे, ए को ट्रांसफर कर देंगे, ए की अपनी खुद की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, जब बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर करेंगे तो सेम डायरेक्शन में करके नहीं देंगे, वो इन्वर्ट करके देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी ठीक है, तो हम लोग जो है वेलोसिटी ऑफ बी इधर आ जाएगा ये, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इट विल कम दिस वे, वेलोसिटी ऑफ ए